हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाड़ी भी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 12 वोल्ट की एलईडी से एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसे कि आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो या लाइफ टाइम आपका साथ देगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या इस इम्पोर्टेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा। और वीडियो यदि पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल में देने तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, किस इम्पोर्टेंट चीज़ को बनाया गया है इस वीडियो में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक 12 वोल्ट का सीएफएल एलईडी ले लेना है। आप कोई सा भी जो एलईडी ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और इसको जो चिपकाने के लिए हमने इस तरह का एक पीवीसी शीट कट करके ले लिया है, और जो यहाँ पे आज भी जो है आ रहा है, ठीक है, मतलब टाइटली आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको फिक्स करने के लिए हॉट ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, मैं हॉट ग्लू चारों ओर लगा के एकदम फिक्स कर लिया हूँ ये जो सीएफएल बल्ब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो एकदम मजबूत हो गया है, लौंडा जो बात है। अभी हमें क्या करना होगा देखते जाइए। तो अभी हमें दो वायर यहाँ से बाहर निकालने होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं पहले जो है रेड वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये सीएफएल बल्ब है, ठीक है, इसलिए इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आप जिस वायर मर्जी, जहां मर्जी वायर लगा दो, कनेक्ट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत बड़ी जो है ये फायदा है, ठीक है। यदि आप एलईडी लाइट लो, ठीक है, जो एलईडी बल्ब आते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो आप उसको ध्यान रखते हुए जो कनेक्शन कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दोनों वायर मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है, और ये दोनों को कुछ इस प्रकार से मुझे मोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मुड़ गया है। अभी यहाँ पर देख सकते हो, छोटा सा जो ओल्ड खराब हमारा एलईडी का बल्ब होता है 9 वाट का, उसको मैंने ले लिया है, ठीक है। अभी इस बल्ब को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो इसे भी जो हम हॉट ग्लू के द्वारा हम फिक्स कर लेंगे। तो चलिए, इसको भी जो हम फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इसको इस तरह से जो है फिक्स कर लिया है। ये जो बल्ब है एकदम जो हिल डुल नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों जो इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डीओबी सीट का यूज़ किया है। आप भी जो है डीओबी सीट का यूज़ कर सकते हो, या ना मिले तो फिल्म सीट तो है ही भाई, आप फिल्म सीट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास फिलहाल डीओबी सीट है, तो मैं लगा दिया, जो प्रोफेशनल टाइप लगेगा देखने को, और भी कूल लगेगा जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, क्या बनाने जा रहे हैं आप वीडियो में लास्ट में देख ही सकते हो, ठीक है। और मैं बता भी दूंगा जी क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, इतनी दूर तक कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक जो है चार्जर का बॉडी ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, एक ऑन ऑफ स्विच और एक पावर देने के लिए सॉकेट मैंने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दोनों वायर हो गए, ये हमारे स्विच के वायर हो गए, ठीक है। और ये दोनों जो वायर हो गए, ये दोनों हमारे सॉकेट के वायर हो गए। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन बहुत ही ईजी है, फिर भी मैं मोटा मोटी आप लोगों को दिखा देता हूँ फैट फैट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, वायर बहुत ही लंबा था इसलिए मैंने छोटा कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, जो सॉकेट का नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव हम मिला देंगे एक साथ, क्योंकि नेगेटिव ग्राउंड के तौर पर हम मिला देते हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, और जो एक स्विच से और एक वायर जा रहा है, ठीक है, उसको हम नेगेटिव के साथ डायरेक्ट मिला देंगे। ये जो एलईडी के नेगेटिव था, ठीक है, मतलब ब्लैक वायर था, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता है, जो ब्लैक वायर था उसके साथ हमें जो इस प्रकार से मिला देना है। तो इसको भी हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, सॉकेट का जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, उसको हमें जो यहाँ पे देख सकते हो, जो बल्ब का रेड वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, मतलब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है भाई साहब, हाँ, तो बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, ये बन चुका है हमारा एक साइकिल लाइट, ठीक है। मतलब क्या बनाया है, साइकिल लाइट बनाया है, आप देख ही सकते हो, बहुत ही सिंपल साइकिल लाइट है। अभी तक जो है पूरी तरह बना नहीं है, आप वीडियो में बने रहो, इसका टेस्टिंग में करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में। और अभी हम इसको भी जो हॉट ग्लू के द्वारा ही चिपका देंगे, हॉट ग्लू ही हॉट ग्लू चारों जगह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, हॉट ग्लू लगा के एकदम पेंट कर दिया है, एकदम लौंडा जो है चकाचक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, जो है अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है। तो अभी यहाँ पे हम एक हैंडल लगाएंगे, मतलब
यहाँ पे साइकिल में फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक कुछ लगाएंगे हिंच टाइप का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख ही सकते हो हिंच टाइप का मैंने लगा दिया है। ठीक है, साइकिल में जब लाइट लगाने को आता है तो हिंच वो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। इसको जो हॉट ग्लू के द्वारा ही हम लगा लिए है, ठीक है, क्योंकि हॉट ग्लू आसानी से मिल भी जाता है और लग भी जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी बताइए, कमेंट करके बताइए ये जो साइकिल लाइट आपको कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को यदि पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए इसका टेस्टिंग कर लेते। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट का एक प्लग ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे और इसको ऑन ऑफ बटन को हम ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से जो वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो साइकिल लाइट है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इस लाइट जो लाइट की रोशनी आप अंधेरे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा अंधेरा कर दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट है अच्छी तरह से ग्लो भी कर रहा है। ठीक है, यदि फुल अंधेरा कर देता तो भाई साहब उधम मचा देता है ये जो लाइट है। ठीक है, तो आप भी बना लेना, आप LED से बना सकते हो। मैं CFL, मेरे पास CFL जो है बल्ब था इसलिए मैंने बनाया है। ठीक है, आपके मर्जी LED से बना सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये यूनिक जानकारी आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।